शायद एकाध जीजी भाई भी कुंवारी रह गई थी, बच्चे सब हो गए थे, बस वो ही बच्चा था है। तो मम्मी बोली थी अब तो मैं बैठ गई हूं पूजन में, अब बहू बेटा बैठेंगे। बहुरानियां बैठी है, बेटा 14 साल पहले मम्मी को ये अंदाजा हो गया था कि मेरी बहू भी ऐसी धर्मात्मा आएगी जो भागवत कराएगी। सत्य बात तो ये है, नहीं तो आज के जमाने में बहू ऐसी आती जगदम्बा पूछो ही मत। मंदिर का घंटा और बहू एक बराबर की हो गई महाराज, वो भी दिन भर बजे और ये भी दिन भर बके, अब क्या। पर पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जाए, अभी तो गई थी कहां से आ गई, इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो उसको टेंशन हो जाता है। तो ये तो बहुत सोचो इनका विल पावर कितना मजबूत होगा, सोच के बैठी थी कि मेरी बहू आएगी और कथा कराएगी, नहीं तो आज के जमाने में तो घर में रोज की इतनी कथा हो जाती कि भागवत कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बच्चा, पर उनका विश्वास इतना प्रबल था, इतना विश्वास प्रबल था। जब आखिरी दिन सिरोंजिया भवन में कथा विराम कर हम जा रहे थे, दोनों बुआ फूफा जी की आंख में जल थे और कहा गुरुजी कथा में बहुत आनंद आया, अब बस बेटा बहू आएंगे, अब वो कथा में बैठेंगे, अब वो कथा कराएंगे। तो ये उनका विश्वास, ये उनकी पूर्णता। और जब तक मेरा ठाकुर कृपा ना करे, मेरा लाडला कृपा ना करे, तो वो सुख का अनुभव नहीं हो सकता साहब। आप कितना भी प्रयास करें, आप पूरी जिंदगी, कई लोग इस संसार में ऐसे हैं उनको आज तक नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए। कोई आपसे अचानक आकर पूछ ले कि आपका जन्म काय के लिए हुआ है, बताइए जरा, इंटरव्यू ले कोई आपका, तो आप क्या उत्तर दोगे, किस लिए पैदा हुए हो, मनुष्य का देह क्यों मिला है। 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की योनि है साहब, और वो 84 लाख योनियां काटने के बाद जो मानव की देह मिली है, उस मानव की देह को पाने का केवल एक कारण है, केवल एक कारण, और वो कारण की मूल तात्विकता दो दर्शाती है, एक मनुष्य की देह मिली है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा मनुष्य की देह मिली है कर्म का भोग भोगने के लिए। जो तुमको लड्डू मिल रहा है, रसगुल्ला मिल रहा है, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, डनलॉप का गद्दा, आईसी का रूम, सुंदर गाड़ियां, ये सारा सुख तुम्हें मिल कहां से रहा है। जो तुम पूर्व में कर आए हो, जो तुमने पूर्व में किया है, थोड़ा दान, थोड़ा पुण्य, थोड़ा सत्कर्म, थोड़ा भजन, थोड़ा स्मरण, जो तुम पूर्व में कर आए हो, उसका सुख आज भोग रहे हो। तुम्हें मालूम था कि तुम भोपाल में जन्म ले लोगे, तुम्हें मालूम था तुम्हें अच्छा पति मिल जाएगा, तुमको मालूम था तुम्हें अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अगर कहीं की जगदम्बा मिल जाती तो विचार करिए, और आपको भी कहीं का भेरू मिल जाता तो विचार करो जरा, उसकी कृपा समझो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं भोपाल में जन्म ले रहा हूं, क्योंकि मां के गर्भ में जब बच्चा पड़ा रहता है उसको यह भान नहीं होता कि मेरा जन्म किसके यहां होगा, उसको यह भान नहीं होता मैं कौन सी सिटी में, कौन सी जगह, कौन से गांव में, कौन से क्षेत्र में आऊंगा, उसको यह नहीं मालूम रहता कि मैं करोड़पति के घर में पैदा होऊंगा कि कहीं भीख मांगता मिलूंगा, उसको यह नहीं मालूम रहता कि मेरा शरीर पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मालूम पड़े उसने कितनी कृपा करी साहब, जन्म देने से पहले कितनी करुणा करी है, प्रतिदिन अगर मेरे द्वारकाधीश को, प्रतिदिन मेरे श्री जी बाबा को रोज नमन करके धन्यवाद देना चाहिए कि तूने शरीर भी दिया तो पूरा दिया, आंखें भी दोनों दी, हाथ भी दोनों दिया, पांव भी दोनों दिया, अगर एकाध निपटा के भेज देता तो बोलो जरा विचार करो, तुम क्या झगड़ा करने जाते हो ऊपर कि तूने मेरे को एक आंख क्यों दी, एक आध हाथ निपटा के भेजता, एक आध पांव निपटा के भेजता, क्या झगड़ा करने जाते, पर नहीं, उसने कृपा कर भेजा है, करुणा कर भेजा, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा कुटुंब, अच्छे माता पिता, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पुत्र, सब उसी ने देकर भेजा है, और इसलिए भेजा क्योंकि पूर्व में तूने बहुत भजन कराया, पूर्व में तूने बहुत दान दिया, पूर्व में तूने खूब सत्संग करा, खूब संकीर्तन करा, तो भगवान ने भी कहा एक बार फिर जन्म दिया जाए, वंस मोर एक बार फिर भेजा जाए, और भेजा जाए तो पृथ्वी पर जाकर फिर भजन करेगा, फिर कथा कराएगा, फिर स्मरण कराएगा। तो ये जो तुम करा रहे हो
ये पुण्य की इनकम है साहब। फैक्ट्री पर बैठकर जो कमाते हो, दुकान पर बैठकर कमाते हो, परिवार में बैठकर कमाते हो, वो तुम अपने परिवार वालों के लिए कमाते हो। किसके लिए कमाते हो? जम के बोलो जरा, बिल्कुल आराम से बोलते हुए कथा सुनना है, ऐसे गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह नहीं, मुसद्दीलाल जैसे मुंडा उतार के बैठे रहो। भगवान भी सोचे काय को आ गई, इससे तो घर पे ही अच्छी थी। तो किसी के यहाँ भी जाओ तो थोड़ा प्रसन्न भाव से जाना चाहिए। किसी के यहाँ भी जाओ, तुम्हारी बहनों के यहाँ जाओ और प्रसन्न रहोगे तो बहन भी कहेगी मेरी बहन आई, और मालूम पड़े बहन के यहाँ जाओ और ऐसे मुंह उतार के बैठ जाओ तो बहन भी काय को आ गई, घर ही जा, क्यों आई? भगवान के मंदिर में, संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर, तीर्थ में, व्रत में, कथा में हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। तो भगवान को भी लगे इतना दुख होने के बाद भी प्रसन्न है, जा मेरे दरवाजे से जाएगी ऐसी प्रसन्न बनी रहेगी। और मालूम पड़े मुंह उतार के बैठे रहो, दिन भर आंख में आंसू भर भर के रोते रहो, क्या मतलब? क्या मतलब? एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे लोग कथा में बैठे थे, महाराज जी भी खूब रो रहे और भक्त भी बहुत रो रहे। अब बेचारी एक अम्मा बैठी, उसको रोना ही नहीं आया, उसने कहा कल से आऊंगी तो मिर्ची बांध के लाऊंगी, आंख में लगा लूंगी। क्यों? हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज कहते थे कि माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है और जिस दिन मरता है उस दिन तक वो रोता ही रोता है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन से मरेगा तब तक रोएगा। इसलिए माता कौशल्या जी ने भी राम जी से कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजउताति रूपा, की जय सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से करें कि तुम रो, क्योंकि पृथ्वी की रीति है कि जन्म लोगे तो रोना तो पड़ेगा और अंतिम अवस्था तक रोना पड़ेगा, कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए। पर शास्त्र कहता है मुस्कुराने के लिए केवल जिंदगी के ये 7 दिन मिले हैं श्रीमद् भागवत के। इतने प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा भी कहे कि इतना दुख होने के बाद भी प्रसन्न है, तो ऐसा प्रसन्न बने रहे दुख मिलने पर। केवल 7 दिन, भागवत कितने दिन की है बोलो जम के? 7 दिन। शास्त्रीय संगीत के सुर 7, जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया वो 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत को उठाया तो भगवान की उम्र 7 वर्ष की। भगवान ने पर्वत को उठाया तो 7 दिन तक उठाया। विवाह हुआ तो फेरे कितने डले? 7। जन्म अपना कितने दिन में हुआ? 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलते तो जाओ, 7 दिन। अलग से कोई दिन नहीं आने वाला। और यही 7 दिन श्रीमद् भागवत के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। दिन यूं ही निकल जाते, दिन ऐसे ही। कितने दिन से तैयारी में लगी थी बुआ जी, उनकी बहू ने, बेटा ने, रवि वगैरह साहब कितने दिन से लगे, कथा करवाना, कथा करवाना, इनको करते 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 कब 18 तारीख आ गई, कथा चालू हो गई और 2-2.5 घंटा 3 घंटा में कथा विराम हो जाएगी पहले दिन की, बचे 6 दिन। ऐसे दिन निकल जाते हैं कि जिंदगी का पता ही नहीं पड़ता साहब, जीवन कहां चले गया। 84 लाख योनियां परमात्मा ने दी है केवल भगवत स्मरण के लिए, केवल भगवत भजन के लिए। जपो, जपाओ, जपते रहो, केवल 21,600 श्वास मनुष्य प्रतिदिन लेता है। कितनी? जम के बोलिए, जम के बोलो जरा। 21,600 श्वास मनुष्य प्रतिदिन लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है। कितने हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र के मनुष्य के शरीर में 21,600 श्वास प्रतिदिन जाती और आती है हमारा प्रतिदिन। और वो 21,600 श्वास में भगवान कहता है, श्वास श्वास में राम रटो वृथा जन्म ना खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। मौका मिला
करते रहो। जितना हाथों से बन जाए सेवा करो, जितना बन जाए भजन करो, जितना बन जाए ठाकुर जी से नित्य। मैं आया जब ठाकुर जी के दर्शन करे राधा कृष्ण के, बड़ा सुंदर श्रृंगार, बड़ा लाडले का मस्त भाव, तो मन भी करे दर्शन का कि भाव कितना प्रबल। ये भाव की प्रधानता हो। 7,39,00,000 शब्द, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद के श्रीमद् भागवत कथा में से एक शब्द भी हमारे जीवन की सार्थकता बना सकता है। एक शब्द भी, एक अक्षर भी। महाराज भगवान सुख की राशि, और ध्यान देना, मौका मिले तो थोड़ा पुण्य कमाने का प्रयास करिए। पुण्य कमाने कौरवों की पूरी दुनिया समाप्त करने में केवल एक का हाथ था। कौन? कौरव और पांडवों में से। कौरवों की पूरी दुनिया, कौरवों की पूरी सत्ता, कौरवों का पूरा राजपाट समाप्त करने में एक का हाथ था, शकुनी का। कौन का? शकुनी, एक का। और जरा विचार करिए कौन था ये? दुर्योधन का मामा। पर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इसने कौरवों का पूरा वंश क्यों मिटवा दिया? उसका एक कारण था कि शकुनी के पिता सुबाल, और सुबाल की एक लड़की, शकुनी की एक बहन, जो किसके साथ ब्याही थी? धृतराष्ट्र के साथ, जिसका क्या नाम था? गांधारी। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी वो, सबसे सुंदर रानी, विश्व सुंदरी। कौन? गांधारी। राजा सुबाल ने आज निर्णय दे दिया, 5 दिन बाद मेरी बेटी का स्वयंवर है। भीष्म पिता को मालूम पड़ा कि राजा सुबाल अपनी कन्या गांधारी का स्वयंवर रचाए, खबर करी। भीष्म पितामह ने कहा, सुबाल जी एक काम करिए, आप अपनी बेटी मेरे धृतराष्ट्र से ब्याह दो। सुबाल ने पत्र लिखकर भेजा, इस अंधे के साथ में लड़की ब्याहूंगा, इस अंधे के साथ में।